भालू। सृष्टि के नायक श्री हरि विष्णु के पृथ्वी पर अवतार लेने की खुशी में पूरी अयोध्या में मंगल उत्सव होने लगे। धरती ही नहीं, देवलोक भी श्री विष्णु के अवतार से आनंदित हुआ। देवताओं को पूरा विश्वास हो गया था कि श्री विष्णु का ये अवतार अपनी मानव लीला से धरती लोक को भी आनंदित करेगा। झूमे नाचे सकल अयोध्या, राजमहल में बजे बधैया। झूमे नाचे सकल अयोध्या, राजमहल में बजे बधैया। बलिहारी भई मात कौशल्या, थके लेना नारद के बलैया। झूमे नाचे सकल अयोध्या। महारानी कौशल्या, हमारे सुंदर सलोने कुमार रो क्यों रहे हैं? यदि नहीं रोएंगे तो हम सब दौड़ते भागते हुए इनके पास कैसे आएंगे? बड़े चतुर है कुमार। देखो, माता पास आई और कुमार चुप भी हो गए। तो चलो सब मिलकर इनके स्नान, काजल, टीका और दूध की व्यवस्था करो। जो आ गया महारानी। कैसा अनोखा दृश्य है। बाहर नगर की स्त्रियां सज धज के अयोध्या के राजमहल की ओर चल पड़ी हैं। उनके हाथों में भी सोने के कलश और आरती के थाल हैं। उत्साह से भरी स्त्रियां महल द्वार तक पहुंच रही हैं। क्षमा करें महाराज, महल के मुख्य द्वार पर पूरी अयोध्या उमड़ पड़ी है। सभी कुमारों के दर्शन कर उन्हें आशीष देना चाहते हैं। इतने समय बाद प्रजा की मनोकामना पूरी हुई है, उनके लिए राजमहल का द्वार खोल दिया जाए, उनकी हर इच्छा पूरी की जाए। ऐसे सुंदर बालक तो हमने कभी नहीं देखे। लगता है भगवान स्वयं बालक बनकर उतर आए हैं। इन्हें खेलते देखकर कितना अच्छा लग रहा है। देखो माँ कौशल्या के पुत्र कैसे मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कह रहे हो, हाँ माताओं, मैं तुम्हारे मन को रिझाने ही तो आया हूँ। नारायण नारायण, आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया माता पार्वती। लगता है धरती लोक की अद्भुत शोभा देखकर आ रहे हैं देवर्षि नारद। सत्य कहा माते, श्रीहरि का बाल रूप इतना मोहक है कि लगा कि मैं सदा के लिए धरती पर ही बस जाऊं। तभी तो देवगण भी उस रूप को देखने अयोध्या पहुँचे हैं। अर्थात महादेव भी अयोध्या के राजमहल में। वो देखिए देवर्षि, वो तांत्रिक के वेश में वहाँ डमरू बजाते हुए बालक के सुंदर रूप को निहार रहे हैं। कैसा रूप है हमारे कौशल्या नंदन का, के स्वयं अवघड़ शिव भी बच्चे बन गए। डमरू उठाए पहुँच गए हैं अपने श्री हरि को देखने। जाने कैसा होगा महादेव और श्री हरि का मिलन। आगे जानने के लिए सुनते रहिए फीवा प्रस्तुति रामायण। हम लौटेंगे कुछ क्षणों में। कैसा रूप है हमारे कौशल्या नंदन का, के स्वयं अवघड़ शिव भी बच्चे बन गए। डमरू उठाए पहुंच गए हैं अपने श्री हरि को देखने। जाने कैसा होगा महादेव और श्री हरि का मिलन। ओम भट्ट, विलक्षण है ये बालक, संपूर्ण संसार में इसकी महिमा का गान होगा। ओम भट्ट, अद्भुत शक्ति का स्वामी होगा ये बालक। और सुनिए महाराज दशरथ, आपके ये चारों पुत्र संसार से अन्याय को समाप्त करके न्याय के मार्ग प्रशस्त करेंगे। चारों दिशाओं में इनकी जय जयकार होगी। आपकी शुभ वाणी से हम प्रसन्न हुए तांत्रिक, कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। ओम भट्ट, हमें कुछ नहीं चाहिए राजन, इन कुमारों के दर्शन से बड़ा कुछ भी नहीं है। अब हम चलेंगे। वाह वाह, धन्य है तू श्री हरि,
धन्य है। अजब तेरी माया, अजब तेरा खेल। मुझे लगता है कि ये कोई सिद्ध महात्मा थे महाराज। हाँ महारानी कौशल्या, कोई साधारण ऋषि हमारे पुत्रों के संबंध में ऐसी भविष्यवाणी कैसे कर सकता है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं भगवान शिव बोल रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भला हमें कोई कैसे पहचान सकता था देवी पार्वती, हम तो सिद्ध तांत्रिक के रूप में थे। सच, चारों बालकों को देखकर कितनी प्रसन्नता हुई। ये सौभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा स्वामी, कब मैं उन कुमारों को देखूंगी। आपके लिए क्या असंभव है देवी पार्वती, आप जब भी इच्छा करें दशरथ कुमार आपके सम्मुख होंगे। मेरा आशीर्वाद सदा उन बालकों के साथ है। ये आशीर्वाद का बहुत ही शुभ समय है देवी, क्योंकि दशरथ कुमारों का नामकरण संस्कार होने वाला है। गणनंत्वा गणपति गण हवामहे, प्रियनंतु प्रियपति गण हवामहे, निधिनंत्वा निधिपति गण हवामहे। गणनंत्वा गणपति गण हवामहे, प्रियनंतु प्रियपति गण हवामहे, निधिनंत्वा निधिपति गण हवामहे। गुरुदेव, कुमारों का नामकरण संस्कार आरंभ करें। माता केकई का ये सुंदर पुत्र प्रजा का पालक होगा, ये लोक का भरण पोषण करेगा, इसीलिए इसका नाम होगा भरत। कितना सुंदर नाम है भरत। मुनिवर, अब आप हमारे इन दोनों पुत्रों का भी नामकरण करने की कृपा करें। महारानी, आपके ये पुत्र जगत के आधार हैं, शुभ लक्षणों के धाम हैं, इसीलिए मैं इनका नाम लक्ष्मण रखता हूं। और महाराज, जिनके स्मरण मात्र से ही शत्रु का नाश हो जाता हो, उनका नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूं। हम धन्य हुए, अब हमारे सुंदर सलोने ज्येष्ठ पुत्र का नाम रखें गुरुदेव। अवश्य महाराज, अखिल ब्रह्मांड नायक की कृपा और ग्रह नक्षत्रों की गणना से महारानी कौशल्या के गर्भ से उत्पन्न आपके ज्येष्ठ पुत्र अति प्रिय तथा सबके मन में रमण करने वाले हैं, इसीलिए इनका नाम होगा राम। राम रमेते रमेते रमे राम, सहस्र नाम तत्तुल्यं राम नाम वर्णने। वो केवल गुरु वशिष्ठ ही हो सकते थे जो श्री हरि को ऐसा पावन नाम दे सके, एक ऐसा नाम जिसे लेते ही जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं, ऐसा नाम जिसे जन्मों जन्मों तक जपने को मन कहे राम। तुझे भुला के जाऊं कहां, पाऊं कहां मेरे राम। मन में बसा तू, तन में बसा तू, मन में बसा तू, तन में बसा तू, कण कण में बसा तू ही धाम। राम